हेलो दोस्तों, वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज मैं रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर लाई हूँ और दोस्तों आज मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊँगी, आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगी। आपको दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँगी जिससे आप सारे क्वेश्चनों को बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं कैलेंडर को क्वेश्चन करवाने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बताना चाहूँगी। दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है, जनरल ईयर क्या होता है। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखी हूँ, आपको समझा रही हूँ। जैसे जनरल ईयर में जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो एक बढ़ जाता है, और दोस्तों लीप ईयर में जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो दो दिन बढ़ जाता है। ऐसा कैसे होता है कि एक दिन बढ़ता है, दो दिन बढ़ता है? दोस्तों इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2020 को मंगलवार होगा। देखिए सोमवार से मंगलवार दोस्तों क्या है, एक दिन ऐड किया गया है। अच्छा दोस्तों, और इसमें अच्छा दोस्तों हमको पता कैसे चलेगा कि एक दिन ऐड करना है या दो दिन ऐड करना है? इसके लिए हमको पता करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन से जनरल ईयर है, कौन से लीप ईयर है। जिस ईयर की लास्ट डिजिट 4 से पूरी दोस्तों डिवाइड हो जाती है तो वो लीप ईयर होता है और उसमें दो दिन ऐड किए जाते हैं। और जिस भी ईयर की लास्ट की दो डिजिट 4 से पूरी डिवाइड नहीं होती है और अगर उसमें रिमाइंडर बच रहा है तो वो जर्नल ईयर होता है और उसमें एक ऐड किया जाता है नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों 1 जनवरी 2016 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2017 को बुधवार होगा। देखिए सोम मंगल बुध दो ऐड किया गया है। और दोस्तों लीप ईयर में दो ऐड क्यों किया जाता है और जर्नल ईयर में एक ऐड क्यों किया जाता है? लीप ईयर में दोस्तों इसलिए ऐड किया जाता है दो दिन क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, और जनरल ईयर में एक दिन क्यों ऐड किया जाता है क्योंकि उसमें दोस्तों फरवरी 28 दिन की होती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। लीप ईयर में अगर लास्ट ईयर में 4 से डिवाइड करने, लास्ट ईयर की लास्ट दो डिजिट में 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर जीरो बचता है तो वो लीप ईयर होता है, उसमें नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए उस दिन में दो दिन ऐड कर देते हैं। और जर्नल ईयर में अगर वो जिस ईयर की लास्ट की दो डिजिट 4 से पूरी डिवाइड नहीं हो रही हैं तो वो जर्नल ईयर होता है, उसमें नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए एक ऐड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर 2020 की जगह 2018 होता और यहाँ 2017 की जगह 2019 होता तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आगे सॉल्व करवाऊंगी। मैं आज दोस्तों सारे टाइप के क्वेश्चन ली हूँ, इसलिए दोस्तों पसंद आ रहा हो, अगर वीडियो आपको स्टार्टिंग में मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे दोस्तों मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है 6 मार्च 2018 को शनिवार था तो 22 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा? दोस्तों यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है पर मैं आपको समझा रही हूँ सोमवार कैसे आया। दोस्तों अगर सेम ईयर दिया हो और सेम मंथ दिया हो तो कुछ नहीं करते हम, बस जो डेट दी होती हैं उनको माइनस कर देते हैं। दोस्तों 22 को हम 6 से माइनस 22 को 22 में हम दोस्तों 6 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। जो आता है उसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो रिमाइंडर बचता है, जैसे यहाँ पे 7 × 2 = 14, 15 = 16, दो रिमाइंडर बचा। दोस्तों जो भी रिमाइंडर बचता है उसको जो पहला वाला दिन होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं। जैसे दो रिमाइंडर बचा दोस्तों तो हम इसमें दो ऐड कर देंगे। तो क्या शनिवार के बाद दोस्तों हम दो ऐड करेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, दोस्तों इसका क्या, सोमवार इसका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार समझाती हूँ दोस्तों, अगर सेम मंथ और सेम ईयर दिया हो दोस्तों और सेम मंथ दिया हो, ये मैटर नहीं करता दोस्तों कि ये लीप ईयर है या जर्नल ईयर है, ये मैटर नहीं करता। इसमें अगर सेम मंथ है तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, दोनों डेटों को माइनस कर देंगे, जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको पहले वाले दिन से ऐड करके उसको लिख देंगे। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह कराती हूँ, शायद उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया है 2 फरवरी 1993 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 1993 को कौन सा वार होगा? दोस्तों देखिए मैंने क्या बताया, अगर सेम ईयर दिया हो और सेम मंथ दिया हो तो कुछ नहीं करते दोस्तों, बस दोनों डेटों को माइनस कर देंगे। 28 में दो माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 26 आएगा, और जो भी आता है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 21 दोस्तों क्या, इसमें 5 रिमाइंडर बच जाएगा, बस मंगल में 5 ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने दोस्तों लिखा मंगलवार और 5 बार, 1 2 3
चार पाँच, बस मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। दोस्तों क्या इसका रविवार आंसर हो जाएगा? रविवार। दोस्तों मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, जब आपसे ये बनने लगेगा, अब इसको एक दो बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से कैलेंडर बन जाए। कोई कहते हैं कैलेंडर बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, बस एक दो बार आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपसे बनने लगेगा। एक बार फिर से मैं समझाती हूँ, जैसे दोस्तों सेम ईयर दिया हो और सेम मंथ दिया हो तो कुछ नहीं करते, दोनों डेटों को माइनस कर देंगे, सात से डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर बचेगा, और सात से तो सारे क्वेश्चनों में, सारे टाइप में हमको सात से ही डिवाइड करना है, जो भी आएगा सात से डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर बच। दोस्तों ये कितनी बार जा रहा है, चार बार, पाँच बार, कितनी बार जा रहा है ये मैटर नहीं करता, हमको बस शेष फल जो आ रहा है हमको वो मैटर करता है। जो शेष फल आएगा उसको हम पहले वाले दिन से ऐड करके अपना आंसर ला देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दोस्तों लिखा है, यदि मार्च की 15 तारीख को सोमवार था तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? दोस्तों ये इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें बस क्वेश्चन हुआ, इस क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही लिखा है, बस वो क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया है जैसे बुक में लिखा था वैसे ही क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको सेम एज इट इज़ लिख दिया, ऐसे मैं इसको ऐसे भी लिख दे रही हूँ। देखिए दोस्त, जैसे 15 मार्च को सोमवार था तो 10 अक्टूबर को कौन सा वार होगा? और दोस्तों इसमें ईयर क्या दिया गया है? इसमें दोस्तों ईयर सेम दिया गया है। दोस्तों जब ईयर सेम दिया हो और मंथ अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, मंथ के सारे दिनों को लिख लेते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको दोस्तों इसमें मैंने बताया कि अगर ईयर सेम दिया हो और मंथ भी सेम दिया हो तो डेट को माइनस करके सात से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा, उतने दिन आगे चले जाएंगे हम। पर ऐसे क्वेश्चनों में अगर दोस्तों इसमें क्या बोला है, यदि उसी वर्ष के, अगर ईयर दोस्तों अगर सेम दिया हो और मंथ अलग अलग हो तो हम मंथ के सारे डेट लेंगे। और जो दोस्तों जैसे मार्च की 15 तारीख को, तो जो मार्च की दोस्तों 15 तारीख है उस दिन से हम ऐड करेंगे, और अक्टूबर की 10 तारीख तक हम पूरे दिनों को दोस्तों ऐड कर लेंगे। तो 15 तारीख, मार्च की 15 तारीख को सोमवार था तो 15 तारीख से हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मार्च के कितने दिनों को लेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 में 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा, 16 बचेगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दोस्तों 15 दिन नहीं लेना, 15 दिन के बाद जितने दिन बचे हैं मार्च के हमें उनको ऐड करना है, और जितने दिन तक पूछा उतने दिनों को ऐड करना है, हमें मंथ के सारे दिनों को ऐड करना। इसलिए दोस्तों जो भी फर्स्ट मंथ की डेट दी होती है उसको उस मंथ में, अगर 28 दिन होते तो 28 से इसको माइनस करते, 29 होते तो 29 से माइनस करते, 30 होते 30 से माइनस करते, फिर जितना बचता है उतनी ही डेट दोस्तों लेते हैं। और इसके बाद अप्रैल में दोस्तों 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में, अगस्त में 31 दिन, और सितंबर 30 दिन, अक्टूबर में 10 दिन। हम इसके बाद दोस्तों सारे दिनों को ऐड कर लेंगे, जैसे 16 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 10 अक्टूबर तक का दोस्तों सबको प्लस कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों सबको प्लस करने में कितना आएगा दोस्तों, हम सबको प्लस करेंगे तो 209 आएगा। 209 को क्या, 7 से डिवाइड करेंगे, 209 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा, 6 रिमाइंडर बचेगा। दोस्तों जो रिमाइंडर बचता है उसको बस इसमें प्लस कर देंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे पूछा है सोमवार में हम 6 प्लस कर देंगे दोस्तों, सोमवार में हम 6 प्लस करेंगे। जैसे मैं बताती हूँ सोमवार में 6 कैसे प्लस करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, रविवार। दोस्तों बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है दोस्तों। अगर डेट, अगर ईयर सेम हो तो ईयर सेम से कोई मतलब नहीं, अगर मंथ अलग अलग हो तो मंथ के सारे दिन ले लेंगे, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें दिन में ऐड कर देंगे। सोमवार है तो सोमवार में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों
31 मार्च 2008 को बुधवार था, तो 12 जुलाई 2008 को कौन सा बार होगा। देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया सेम वही क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसमें ईयर सेम है, बस मंथ अलग है। अगर मंथ अलग है तो सारे मंथों की हम डेट ले लेंगे सबको ऐड करके। जैसे दोस्तों ये में 31 मार्च दिया है, तो 31 मार्च में हम 31 को 31 मार्च से ही डिवाइड करेंगे तो जीरो बचेगा। मैंने क्या बोला, जितना भी होगा उस मंथ में जितनी भी डेट होगी उसको जो भी डेट दी होगी उससे माइनस करके लिखते हैं जो भी दिन बचते हैं। तो इसमें तो पूरा मार्च का पूरा 31 दिन दे दिया है दोस्तों, तो मार्च का नहीं लिखेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई का लिखेंगे। सारे मंथ के पूरे दिनों को हम प्लस कर लेंगे, 30 + 31 + 30 + 12 सबको दोस्तों हम ऐड करेंगे, सबको दोस्तों हमें ऐड करेंगे तो 103 आएगा। 103 को दोस्तों हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। 5 रिमाइंडर कैसे बचेगा दोस्तों, 7 ही करने 7, यहाँ पे 3 ही बचा, यहाँ के 7 7 में 14 17 के 28 33 में 28 माइनस कर देंगे दोस्तों तो 5 बचेगा, 5 रिमाइंडर बचा। तो क्या करेंगे दोस्तों, बस बुध में 5 ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सोमवार आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी है, अगर ईयर सेम हो मंथ सेम हो तो दोनों डेटों को माइनस करके 7 से डिवाइड कर दे, दोनों डेटों को माइनस करके 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचता है उसको प्लस कर देंगे। अगर दोस्तों सेम ईयर दिया हो, मंथ अलग अलग हो, तो मंथ के सारी डेट लिख के 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों दिया है 1 जनवरी 2024 को शुक्रवार था, तो 5 अप्रैल 2024 को कौन सा बार होगा। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन समझाया सेम क्वेश्चन है। इसमें देखो दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, सेम ईयर दिया है पर मंथ अलग अलग है, तो दोस्तों सारे मंथों की डेट ले लेंगे। जैसे जनवरी में दोस्तों कितने दिन होते हैं, जनवरी में दोस्तों 31 दिन होते हैं, 31 में एक माइनस करेंगे। मैंने क्या बोला, जितने भी उस मंथ की डेट होती है उसको लिख लेंगे और जितना दिया होता है उसको माइनस करेंगे तो 30 आएगा। दोस्तों यहाँ पे जनवरी में हम 30 ले लेंगे, फरवरी में 29। दोस्तों वैसे तो फरवरी 28 और 29 दो की होती है, तो हम कैसे हमको पता चलेगा कि हमको 28 लेना है 29 लेना है। दोस्तों मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन जिस ईयर से स्टार्ट हो रहा है उस ईयर की दो डिजिट अगर दोस्तों 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है, 4 6 24। देखिए रिमाइंडर दोस्तों की जैसे दोस्तों ये 24 दिया है, लास्ट की दो डिजिट 24 को हम अगर 4 से डिवाइड, 4 6 24 दोस्तों कितना रिमाइंडर बचता है, 0। तो मैंने क्या बताया था, जो 4 से पूरा दोस्तों डिवाइड हो जाए उसमें 0 रिमाइंडर बचे तो वो लीप ईयर होता है और उसमें 2 दिन ऐड किए जाते हैं। तो इसलिए फरवरी में 29 दिन की फरवरी होगी जब 2 दिन ऐड किए जाएंगे, दोस्तों हम फरवरी में 29 दिन लेंगे। और फिर मार्च में 31, अप्रैल में 5, 2, तो सबको हम ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे 30 + 29 + 31 + 31 + 5 डिवाइड 7। हम सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 95 आएगा। 95 को हम 7 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचता है, कैसे 7 7 2 बचता है, 7 7 में 14 सदी कैसे सचों को यहाँ पे दोस्तों 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 को हम सत्री के 4 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, 4 को हम क्या कर देंगे, शुक्रवार में प्लस कर देंगे दोस्तों, कैसे 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने शुक्रवार लिख दिया, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, मंगलवार। दोस्तों देखिए बहुत ही ईजी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यदि 10 जनवरी 2013 को बुधवार था तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा। दोस्तों अभी मैंने बताया, अगर सेम ईयर हो, मंथ अलग अलग हो, तो हम सारे मंथों की डेट लेके उसको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसको डेट में प्लस करके आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अगर देखिए दोस्तों, इसमें डेट सेम है और ईयर अलग अलग है, तो ईयर दोस्तों तो पूरे 365 दिन नहीं लेते जाएंगे नहीं, इस तरह में तो सर दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, इसलिए इसके डायरेक्ट हम लीप ईयर लेते हैं, जर्नल ईयर लेते हैं। तो दोस्तों अगर डेट सेम हो तो दोस्तों डेट से कोई मतलब नहीं हमको, ईयर अगर सेम नहीं है तो हमको ईयर से मतलब है। दोस्तों अगर ईयर सेम है दोस्तों, डेट अलग अलग है अलग अलग मंथ की, तो हमको ईयर से कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर हमको डेट से मतलब रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे डेट सेम है तो हमको डेट से कोई मतलब नहीं, ईयर अलग अलग है तो हम सबके लीप ईयर जर्नल ईयर ले लेंगे। दोस्तों इसमें जैसे दिया है 2013, तो जनवरी का 2013 दिया है दोस्तों, यहाँ पे 2013 क्या है, ये जर्नल ईयर है दोस्तों, मैंने बताया ना, अगर लास्ट की
दो, मैंने बताया दोस्तों जैसे लास्ट की दो डिजिट अगर 4 से 4 3 12 पूरी पूरी नहीं जा रही है, उसमें रिमाइंडर बच रहा है तो वो जर्नल ईयर होगा। और जर्नल ईयर होगा तो क्या करेंगे हम, एक दिन लेते हैं एक्स्ट्रा, तो एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे 2013 14 15। देखिए 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए जर्नल ईयर है। और दोस्तों ये जर्नल ईयर है इसलिए इसमें एक एक दिन लेंगे एक्स्ट्रा, तो हम सबका एक एक लिख लिया। 2018 तक दोस्तों पूरा ऐसे ही लिख लेंगे। 2016 में देखिए दोस्तों ये 4 से पूरा, 2016 में दोस्तों देखिए ये 16 4 से पूरा डिवाइड हो जाता, इसलिए ये दोस्तों 2016 लीप ईयर है, इसलिए इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा लेंगे। 2017 भी 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है दोस्तों, इसमें 1 दिन लेंगे। 2018 में 9 एक्स्ट्रा दिन। 2018 में दोस्तों देखिए 2018 में 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाता है दोस्तों, पर दोस्तों पूरा पूरा चला जाता है 4 को 16 17 नहीं दोस्तों, ये भी क्या है, जर्नल ईयर है। देखिए इसको 18 को 4 से डिवाइड, 4 3 12 4 4 को 16। देखिए दोस्तों ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, पर इसमें दोस्तों हम ना एक ले रहे हैं ना दो ले रहे हैं, हम इसमें एक और दो इसलिए नहीं ले रहे हैं दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर 10 जनवरी से 10 जनवरी तक पूछा, अगर फरवरी का मंथ नहीं आ रहा है तो उसमें ना हम दोस्तों जर्नल ईयर लेंगे ना लीप ईयर लेंगे। ना दोस्तों ये जर्नल ईयर है, यहाँ पे ना लीप ईयर है, क्यों, क्योंकि दोस्तों फरवरी तो नहीं आ रहा है, बस 10 जनवरी तक का ही हमें 2018 का पूछा है, इसलिए हमें नो स्टडी दोस्तों, बस इनका लीप ईयर जर्नल ईयर लिखने के बाद सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 3 4 5 1 6 दोस्तों 6 आएगा। बस बुधवार को, बुधवार में 6 प्लस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, मंगलवार आंसर हो जाएगा, मंगलवार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 10 मार्च 2013 को गुरुवार था, तो 10 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखिए इसमें मंथ और डेट सेम है दोस्तों, बस ईयर अलग है, तो ईयर का सबका अलग अलग लीप ईयर जनरल ईयर कोड ले लेंगे। यहाँ पे 2013 में नो एक्स्ट्रा ईयर, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया, यहाँ ऊपर भी बताया था कि 10 जनवरी फरवरी नहीं आ रही, तो इसमें नो एक्स्ट्रा डेट्स, ना लीप ईयर है ना जनरल ईयर में आता। जब दोस्तों फरवरी आती है उस मंथ में, तब हम एक्स्ट्रा डेज लेते हैं एक और दो दिन। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 मार्च से बात की गई है, जनवरी फरवरी को छोड़ दिया गया है, 2013 के मार्च से काउंट किया गया, इसलिए मैं नो एक्स्ट्रा ईयर, इसमें कोई भी डेट नहीं लेंगे। और देखिए 2014 2015 इनको दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए रिमाइंडर दोस्तों बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये जर्नल ईयर है, तो इनमें एक एक दिन लेंगे। 2016 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 0 रिमाइंडर बचता है, तो दोस्तों इसमें लीप ईयर है तो 2 दिन लेंगे बस दोस्तों, दोनों को, तीनों को, 1 प्लस 1 प्लस 2 1 2 3 4, इसमें क्या है दोस्तों बस 4 ऐड कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या है दोस्तों, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सोमवार आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 9 फरवरी 2013 को मंगलवार था तो 9 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया, हम जब इसमें आगे क्वेश्चन देखिए, 2013 से दोस्तों 16 में जा रहे हैं, 2013 से 18 में जा रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या है, 2013 से हम पीछे की ओर जा रहे हैं। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन लिए, बस ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे दोस्तों इसमें हम पीछे की ओर जाते हैं तो हम आगे का काउंट नहीं करते। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पे 2013 में क्या लिखा है मैंने, नो एक्स्ट्रा डेज, 2013 में एक्स्ट्रा डेज क्यों नहीं लिया है दोस्तों, क्योंकि 9 फरवरी तो आ रहा है दोस्तों, पर हमको आगे का काउंट नहीं करेगा। देखिए हम दोस्तों 9 फरवरी से आगे जाएंगे तो 28 फरवरी पड़ेगी, 29 फरवरी पड़ेगी, तो इसमें लीप ईयर जनरल ईयर हम लेंगे, बट दोस्तों हम 9 फरवरी से पीछे की ओर जा रहे हैं तो 28-29 फरवरी डेट तो नहीं पड़ रही है, इसलिए दोस्तों ना तो इसमें जर्नल ईयर लेंगे ना लीप ईयर लेंगे। अब फिर हम पीछे की ओर जा रहे हैं 2000, तो देखिए दोस्तों हम 28 और 29 फरवरी को पार करते हुए 2012 में हम 9 फरवरी तक पहुंचेंगे, तो इसमें दोस्तों लीप ईयर और जर्नल ईयर लेंगे। जब लीप ईयर जनरल ईयर लेंगे, बताया मैंने कि जब 4 से पूरा पूरा लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो जाती है तो लीप ईयर होता है, उसमें 2 एक्स्ट्रा डेज लेते हैं,
दोस्तों हम इसमें 2012 में दो लीप ईयर लेंगे। और दोस्तों क्या है, हम पीछे 2013 से 12 की ओर जा रहे हैं, दोस्तों हम पीछे की ओर जा रहे हैं। तो देखिए सब में हम आगे की ओर आ रहे थे तो सब में दोस्तों प्लस कर रहे थे, इसमें हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो इसलिए दो माइनस करेंगे। जैसे मंगलवार, मंगलवार दोस्तों हम इसके पीछे की ओर जाएंगे, तो मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार आ जाएगा, यहाँ पे रविवार आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार आ जाएगा। दोस्तों मैंने कैलेंडर के सारे टाइप के क्वेश्चन लिए, अपने से जितना हुआ मैंने समझाया। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।